सो गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ ग्रांट रोड सिटी में, यानी चोर बाजार के सामने। ओ अभी यहाँ पे हो रहा है, यानी प्रजासत्ता दिन यहाँ पे हो रहा है। अभी तो मतलब टाइम है, वैसे अभी तो तैयारी हो रही है, थोड़ा लेट हो रहा है, इट्स ओके। वैसे एक ये मुस्लिम फाउंडेशन है जिसके सामने हमारा तिरंगा अभी लहराया जाएगा, यानी प्रजासत्ता दिन जो है वो भाई मनाया जाएगा। वैसे टाइम ज़्यादा लग रहा था, टाइम इसलिए लग रहा था कि जो फ्लैग जो है कभी उल्टा हो रहा था कभी सीधा, मतलब उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि फ्लैग भाई कैसे लग रहा है। वहाँ पे पुलिस वाले भी आए थे तो हो नहीं रहा था बराबर से, फ्लैग लग नहीं रहा था, तो वही कोशिश कर रहे थे बार बार फ्लैग अच्छे से लगाने की। वैसे एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। अभी जो भाई काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे भाई प्रजासत्ता दिन मनाने के लिए, और अपना फ्लैग जो है इंडिया का फ्लैग वो बराबर ऊपर भाई लग गया था। अभी वेट चल रहा था खाली जो प्रमुख बुलाए हैं यहाँ पे, यानी प्रजासत्ता दिन यानी साजरा करने के लिए, यानी मनाने के लिए जो प्रमुख बुलाए, बस उनका वेट चल रहा था। सो दोस्तों, देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है, यही वजह है कि इस दिन को पूरा देश में यानी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सो यहाँ के जो प्रमुख मेहमान है वो आ गए थे और बस बारी थी भाई ध्वजवंदन करने की। वैसे गाइस, इस राष्ट्रीय त्यौहार की अपनी अलग खासियत है जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आज़ादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी यानी 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये संविधान लागू किया गया था। वैसे यहाँ पे भाई अपने हिंदू भाइयों और अपने मुस्लिम भाइयों भी यहाँ पे साथ में थे, ध्वजारोहण के दिन यानी प्रजासत्ता के दिन सब साथ में थे यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हो रहा है यानी कुछ मिठाई बट रही है, यानी इस माहौल ख़त्म हो जाने के बाद, प्रजासत्ता दिन ख़त्म हो जाने के बाद अभी कुछ मिठाई बट रही है सब में। अभी हम जा रहे हैं अभी स्टेशन पे भाई लोग। आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे तरफ से आप सबको जय हिंद।